देखो जिन्होंने नामदान लिया हुआ है उनसे अगर कोई बुरे कर्म भी हो जाते हैं उनका सारा अकाउंट किसी ग्लोबल जैसे मैंने भी बोला ना लाइफ रिव्यू होता है लाइफ रिव्यू में कौन प्रेजेंट था मैंने बताया था ना कौन प्रेजेंट होता है लाइफ रिव्यू में, में प्रेजेंट होते हैं आपके स्पिरिट गाइड स्पिरिट गाइड या गुरु अभी बताया था ना वो लाइफ रिव्यू में वो प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो गुरु है गुरु का सबसे बड़ा काम क्या है ये जितना भी हिसाब किताब हो रहा है ना गुरु की अपनी इतनी ताकत होती है कि ये लाइफ रिव्यू सिर्फ और सिर्फ गुरु के सामने होता है गुरु उस समय किसी और को बीच में नहीं आने देते जो गुरु हैं अगर आपने सच में उनसे प्रेम किया है ना तो गुरु सारा कंट्रोल सारा खाता अपने हाथ में ले लेते हैं राइट जब वो अपने हाथ में ले लेते हैं फिर आपके और गुरुदेव के बीच में बातचीत होती है और गुरु फिर आपके हिसाब किताब पूरे करते हैं तो उनके शुभ शुभ कर्मों का सारा जिम्मा गुरु के ऊपर होता है तो गुरु नरक में तो नहीं जाने देते एक बार मैं बात समझा देता हूं कबीर साहब जी की वाणी से कोट कर रहा हूं सोना काई ना लगे लोहा घुण नहीं खाए सोना काई ना लगे लोहा घुण नहीं खाए जैसा तैसा गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए ये कबीर साहब जी की पवित्र वाणी है जरा ध्यान से सुन लेना और सुनना सभी सुनना डोंट फोकस ओनली ऑन क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना वो वो सवाल का जवाब नहीं पूछते अगली लाइन में फिर सवाल वही आ जाता है तो फिर अजीब लगता है तो बी के, समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं जब कोई जवाब दे रहा हूं तो प्लीज बी ईयर्स सुनिए अब ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए कुछ रूल्स होते हैं रूल ये है कि अब आप मैं जवाब दे रहा हूं तो सभी सुने इस बात को न कि अपने क्वेश्चन टाइप करने में ही व्यस्त है कुछ लोग डोंट डू दैट पहले समय समझे इस बात को जो जवाब दिया जा रहा है क्योंकि सबके लिए बेहद जरूरी है जवाब भी राइट तो जब गुरु किसी काम का जिम्मा अपने हाथ में ले लेते हैं किसी आत्मा का पूरा पूरा का पूरा हिसाब किताब वो अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसको किसी भी तरह से नरकों में तो नहीं जाने देते लेकिन अपने स्टैंडर्ड पर पास जरूर करके लेकर जाएंगे गुरु चाहे उसके लिए पर्सनल कोचिंग दें यही तो गुरु की खास बात है गुरु क्या करते हैं गुरु चाहे पर्सनल ट्यूशन क्यों उस बंदे को लेकिन उसको बार बार सिखाते हैं, बार -बार हैं बार -बार। तो है। इसीलिए तो गुरु, है। इसी गुरु को सजदा किया जाता है जिन्होंने बार बार समझाया बिठा बिठा कर समझाया पीट पीट कर समझाया प्यार से समझाया कभी प्यार से तो कभी थप्पड़ों से कभी ऐसे तो कभी वैसे कि जिस तरीके से मेरा बच्चा दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो मेरे सामने जो मर्जी हो जाए हम आपस में निपटा लेंगे भी पिता और पुत्र के बीच की बात है, इतनी तो आपस में चलती है गुरु कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच की बात रहे हम हिसाब किताब अंदर में अंदर में निपटा लेंगे लेकिन दूसरों के सामने मत करवाना तो जो मैंने कहा समझ लीजिए लोहा सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए जैसा तैसा गुरु भगत का बहु नरक नहीं जाए नरक तो नहीं जाएगा वो लेकिन गलतियों में सुधार जरूर गुरु करवाएंगे एक जन्म में दो जन्म में तीन या मैक्सिमम चार अगर सदगुरु मिल गए हैं तो कहते हैं ऐसा सुनने में आया और मेरे गुरु द्वारा कन्फर्मड है कि चार जन्मों में उसकी मुक्ति की राह पर उसे निपटा देते हैं एक जन्म नहीं तो दो जन्म से दो नहीं तो तीन तीन नहीं तो चार बस जहां लाखों जन्म बीत गए वहां चार जन्म और क्या क्या फर्क पड़ता है एक लाख चार जन्म क्या फर्क पड़ता है एक लाख चार की कोई गिनती है तो गुरु की कृपा है अपार कृपा है धन्यवाद करें सदगुरु का अपने श्री परम दयाल जी का मैं बारंबार शुक्राना करता हूं जिसने इस घोर कली काल में आकर भी हमारे कर्म बंधन काटने का जिम्मा लिया है तो जो भी सदगुरु के गुरु तत्व को नमस्कार है न केवल मेरे गुरु को समस्त गुरुजनों को नमस्कार है जो इस धरती पर हमें जगाने का कार्य करते हैं उन सबको नमस्कार है